जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे लोगों ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखने के बाद किस फील्ड में जॉब मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि जब ऑटोकैड हम सॉफ्टवेयर सीख लेंगे उसके बाद किस फील्ड में हम लोगों को काम मिलेगा, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। तो मैं यहाँ पर तीन ब्रांच लिखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं फर्स्ट में लिखा हूँ सिविल, सेकेंड में इलेक्ट्रिकल, थर्ड में है मैकेनिकल। तो आप लोग इस तीनों में से किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का एक खूबी ये है कि इसमें जितना भी 2D और 3D का कमांड होता है वो सारा कमांड तीनों ब्रांच का सेम ही होता है। सिर्फ 20% कमांड जो है 20% कमांड अलग अलग होता है, लेकिन 80% कमांड क्या है कि तीनों ब्रांच का सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच का सेम ही होता है। लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस फील्ड का सबसे ज़्यादा ड्राइंग आप लोगों को सही से समझ में आता है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड आप लोगों को चूज करना है। ये नहीं कि दूसरे के बहकावा में आकर और चूज कर लिए कि सिविल में चले जाओ, इलेक्ट्रिकल में चले जाओ, मैकेनिकल में, ऐसा गलती नहीं करना है। नहीं तो फिर आप लोगों को काम करने में बहुत समस्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। आप लोग ऑटोकैड अगर सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिए हैं, सारा कमांड अगर आप लोगों को सही से यूज करना आ रहा है, जितना भी शॉर्टकट की होता है अगर सारा चीज आप लोगों को सही से यूज करना सीख लिया है, इसका सेटिंग जितना भी होता है वो सारा चीज अगर आप लोगों को करने आ जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ब्रांच मायने नहीं रखता है। आप तीनों में से किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ना तो ऐसे काम करने के लिए आप तीनों में से किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बच्चा गलती क्या करता है सब, कि जब सॉफ्टवेयर सीख लेता है सब, तो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद तुरंत नौकरी पर नहीं जाता है सब। एक्चुअली उसके साथ दो कंडीशन होता है, एक तो जब सॉफ्टवेयर सीख लेता है सब उसके बाद जब सोचता है सब कि अरे नौकरी तो जिंदगी भर करना है, तो क्यों ना साल भर, एक साल, डेढ़ साल इधर उधर हम लोग थोड़ा इंजॉय कर ले, उसके बाद नौकरी करेंगे। और दूसरा चीज होता है लड़का सबके साथ कंडीशन क्या, कि जब ये सॉफ्टवेयर सीख कर किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है सब, तो स्टार्टिंग में सैलरी कम लगता है, जिसकी वजह से वो सब इंटरेस्ट नहीं करता है, सब छोड़ देता है सब। लेकिन यहाँ पर आप लोग बहुत बड़का गलती करते हैं। जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए तो आप कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके आप लोग किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं आप लोग नौकरी किसी कंपनी में ले लीजिए। अगर आप लोग कंपनी में नौकरी नहीं लेते हैं, वहीं पर आप लोग सबसे बड़का गलती करते हैं, क्योंकि नौकरी जब आप तुरंत नहीं करेंगे ना, और मान लीजिए वहाँ आप लोगों को पैसा डिपेंड नहीं करता है, आप लोगों को पैसा मायने नहीं रखना है, आप सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद किसी भी फील्ड में आप लग जाइए, सबसे पहले आप लोग लग जाइए। लग जाने के बाद क्या होगा कि आप लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब वहाँ काम करेंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, तो फिर वहाँ से आप लोग अपने टैलेंट के दम पर अलग दूसरा कंपनी में अप्लाई करके फिर कंपनी आप लोग स्विच कर दीजिए, वहाँ से अपना ग्रोथ बढ़ा लीजिए। लेकिन आप लोगों को रुकना नहीं है, वहाँ से सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद कोशिश यही करना है कि कहीं भी किसी भी कंपनी में आप लोगों को तुरंत लग जाना है, या पैसा कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है वैसे डू नॉट मैटर, पैसा मायने नहीं रखना है। पहले आप लोगों को नौकरी ले लेना है किसी भी फील्ड में, मिले सिविल में मिल जाए, मैकेनिकल में मिल जाए, इलेक्ट्रिकल में मिल जाए, किसी भी ब्रांच में आप लोगों को नौकरी मिल रहा है तो तुरंत आप लोगों को नौकरी पे चले जाना है। वहाँ से 2-3 महीना काम करने के बाद जब एक्सपीरियंस, अनुभव होगा, नॉलेज होगा, तो फिर वहाँ से अपने टैलेंट के दम पर कंपनी स्विच कर दीजिए, बड़ा बड़ा कंपनी में अप्लाई करिए। और दूसरा चीज़ मैं इसमें बताएं करियर के बारे में, तो आप लोग जिस भी कंपनी में लग जाते हैं, जब काम करने लगते हैं, तो वहाँ पर ऑटोकैड के अलावा देखिए कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर और यूज हो रहा है। वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कोशिश करिए उस सॉफ्टवेयर को जितना जल्दी हो सके सीख लीजिए। उसे क्या होगा बेनिफिट आप लोगों को कि आपके, आप तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लिए हैं, उसके बाद जो उस कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसको, उस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख लेते हैं, तो उसके बाद जब बड़ा बड़ा कंपनी में अप्लाई करेंगे, लिमिटेड कंपनी में, MNC कंपनी में, जब बड़ा बड़ा कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका ग्रोथ बढ़ने का चांस 100% बढ़ जाता है। हाई सैलरी पैकेज पर आप लोगों का नौकरी लगेगा। तो प्रयास करिए कि उस कंपनी में जो भी सॉफ्टवेयर इसके अलावा यूज हो रहा है उस सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए। किसी को डाउट समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज और है इसमें कि आप जिस भी फील्ड में उतरिए, मान लीजिए आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी फील्ड में जब आप लोगों का नौकरी लग जाता है, जिस भी फील्ड में उतर जाइए,
कोशिश करिए कि उस फील्ड में वहीं तक आप लोगों को सीमित नहीं रहना है, वहां से साल भर दो साल तीन साल के बाद से आप लोगों को इस फील्ड में टॉप लेवल पर जाना है, सबसे टॉप लेवल पर जाना है। आप लोगों को रुकना नहीं है, इस तीनों ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में जब आप लोग नौकरी ले लीजिए, उतर जाइए, तो वहां से आप लोग प्रयास करिए, कोशिश करिए कि इस फील्ड में सबसे टॉप लेवल पर जाना है, आप लोगों को वहां पर रुकना नहीं है। जब इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद नौकरी करते हैं तो आप एक डिजाइन इंजीनियर कहलाता है, या तो सिविल डिजाइन इंजीनियर कहलाएंगे, या तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर कहलाएंगे, या तो मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर कहलाएंगे। आप इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद जब नौकरी करेंगे तो आप एक डिजाइन इंजीनियर कहलाएंगे, समझ रहे हैं। ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर बहुत सारे हैं, लेकिन डिजाइन इंजीनियर आप ढूंढेंगे ना तो बहुत कम पीस में मिलेंगे, बहुत इस सबका संख्या कम है, लेकिन आने वाला फ्यूचर में इसका डिमांड बढ़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस सॉफ्टवेयर को सीख लीजिए और डिजाइन फील्ड में आप भी अपना नाम कमाइए, रुतवा कमाइए और इसमें बहुत तरक्की करिए, आगे बढ़िए और टॉप लेवल पर जाइए, सबसे टॉप लेवल पर। जो गांव देहात में आप लोगों को कोई कुछ नहीं किया है उससे भी आगे दुगुना करके दिखाइए, समझ में आया कि नहीं। यहाँ तो किसी को कोई डाउट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।